अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद। ये जो जी मेरे कबूतर रात रह गए थे, मैंने कहा चलें 7 कबूतर रात रह गए थे आपके साथ अपडेट शेयर करते हैं। सुबह का टाइम है, सहरी के बाद, नमाज के बाद, फजर के बाद सुबह का टाइम है और मेरे ये माशाल्लाह से जी आपके सामने 1-2 कबूतर आपको कैमरे में नज़र आ रही होंगे जो कि आ गए हैं और सुबह सुबह छत पे आकर रुक गए हैं। और उसके अलावा एक साइड पे भी कबूतर उड़ रहा है। 3 कबूतर इस टाइम जो हैं वो सामने आ चुके हैं, तो 3 कबूतर ही आ गए। इंशाल्लाह इसी तरह से बाकी कबूतर भी आपको बिल्कुल एक ही कैमरे फ्लोर आ गए होंगे नज़र, 1, 2, 3, तो इंशाल्लाह बाकी कबूतर भी आ जाएंगे और इसी तरह से जो है ना कबूतर पूरे हो जाएंगे। उम्मीद तो पूरी है कि कबूतर जो हैं वो आ जाएंगे, बाकी देखते हैं क्या बनता है। बाकी ये देखिए जी माशाल्लाह से ये नहीं बैठ सके थे रात को, अभी इतने को लाइटों के ये पक्के हुए नहीं है ना सही से, कुछ लग गए हैं, कुछ आ जाते हैं, कुछ नहीं आते, पर यही सिलसिलेकार चल रहे हैं। ऊपर वो देखें एक और भी शो हो गया कबूतर, वो भी आ गया, 4 हो गया कबूतर वो ऊपर, बिल्कुल कैमरे में आपको बिल्कुल छोटा छोटा सा भी नज़र आया होगा, 4 कबूतर शो हो गया माशाल्लाह से। पीछे 3 और रह गए हैं, वो भी आ जाएंगे, कहीं नहीं जाते कबूतर इंशाल्लाह, क्योंकि जब उड़ाने का शौक़ करें तो फिर ये सिलसिले तो सारे चलते रहते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह अच्छे पर चला रहे हैं। रात काफ़ी देर तक हमें ऊपर कबूतर नज़र आए हैं पर वो बैठ नहीं सके, तो फिर मैं भी बस कहा यार चलो ठीक है कोई नहीं, खैर सुबह आ जाएंगे। ये देखें अभी बस ये बैठ जाएंगे थोड़ी देर में ना, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा जोड़ने नहीं लगे। ये लेकिन 3 कबूतर इकट्ठे हो गए, ये चक्कर इंशाल्लाह बाकी जो न्यू बच्चे वगैरह हैं वो कुछ छत पे छोड़ रहे हैं और उनको भी इंशाल्लाह रात की ट्रेनिंग देंगे और रात में ही उन बच्चों को लेके चलेंगे, उड़ाएंगे, देखेंगे क्या बनता है उनका। कबूतरों को लाइटों का बस पक्का करना है ताकि आइन टाइम पे जो है ना वो कबूतर ज़ाया नहीं होना चाहिए। लें जनाब ये कबूतर माशाल्लाह से अपने ओढ़े हैं, खेल रहा है कबूतर, ठापे लगा रहा, कलाबाजियाँ लगा रहा है। ये 92 नंबर कबूतर है, इनमें एक जो काला सा नज़र आ रहा है आपको वो मलक शाही साहब वाला बेबी पिजन है, हरा चीना बेबी पिजन है मलक शाही साहब। इसके एक और भी मलक साहब वाला बेबी पिजन है, वो अभी ऊपर कोई पता नहीं है, नज़र नहीं आ रहा अभी तक। तो 4 कबूतर बार अलशो हो गए हैं, 3 रह गए हैं, थोड़ी देर में देखते हैं बाकी। ये नीचे आएंगे इंशाल्लाह बैठने पे, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कबूतर हैं क्या है। वो देखें जी ऊपर, वो नज़र आया आपको छोटा कबूतर, ये कैमरे में आ गया, ये देखें ये अब आपको नज़र आ गया होगा, वो ऊपर एक ज़र्रा सा उड़ा, काफ़ी बुलंदी भी है, अभी जूम करके ही आता है नज़र। चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ। लें दोस्तों ये आ गए थोड़े नीचे, थोड़े और पल के नीचे आ जाते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी लग रहा है मुझे का टाइम ले जाएंगे, थोड़ा टाइम लेंगे और 2-4-5 मिनट जो है ना उड़ने पे लगा देंगे, अभी लग रहा है। बाकी जो दोस्त चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये देखें जी कबूतर आखिरी गेड़े पे आ गया, ये बैठ रहा है, सूरज भी देखें अभी थोड़ा थोड़ा ही ऊपर हुआ, लो हो रहा है सूरज, सुबह का टाइम है, ये बैठ रहा है। करें जी ये सिलसिला कार जो है वो चल रहा है। ये आ गया एक बेबी पिजन, ये बेबी पिजन हालांकि रात रहना नहीं चाहिए था, ये तो अच्छा खासा लाइटों में इसने देखी हुई है, लाइटों में अच्छा खासा जो है ना उड़ता फिरता रहता है,
पर पता नहीं ये क्यों रात रह गया। इसको रात रहना नहीं बनता था, टैडी बेबी विजन है ये, बैड लक हुई है, ये नहीं रहना चाहिए था रात। चलो पर सुबह आ गया, ये भी गुड है। आके ही लगता है टैंकी भी बैठेगा। ये लेकर आवाजियां लगा रहा, ले दोस्तों ये भी बैठ गया। बाकी और भी ऊपर दिखाता हूँ, ले दोस्तों ऊपर माशाल्लाह से। ये देखें एक और कबूतर आके बैठ रहा है, और ये मलिक शाह सब वाला बेबी पिजन है। और ऊपर और भी बाकी जो हैं मेरे रह गए थे, जो चार के अलावा तीन कबूतर, वो भी आसमान में निकल आए हैं, शो हो गए हैं कबूतर, तो वो भी नीचे आ जाएंगे और वो भी जो है आके बैठ जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला वो भी अगर उस टाइम में हुआ तो फिर वीडियो बन जाएगी, नहीं तो नहीं। ये देखें जी, ये आके बैठ चुके हैं कबूतर माशाल्लाह से, और कबूतर माशाल्लाह सात जो थे वो सात हमारे पूरे हो गए हैं। ठीक है जी, तो मैंने कहा आपके साथ जो है सुबह की अपडेट जो शेयर कर दूँ। आसमान में अभी नीचे आते टाइम लगेगा इंशाल्लाह।